मेरा सौभाग्य है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि गांधी से गांधी तक, महात्मा गांधी से डॉक्टर राजमोहन गांधी तक की यात्रा एक फुल सर्किल बनी है आज। ये हम सबका सौभाग्य है कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम भाजपा नहीं कर पाई, वो काम आपके जिम्मे है और हमारे जिम्मे है। अगर हम सब मिलकर के, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, डॉक्टर राजमोहन गांधी की आवाज जब संसद में गूंजेगी तो इस बात का प्रतीक होगी कि महात्मा गांधी ना चाहते हुए भी अपने जीवन काल में राजनीति में वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आज उस गांधी के खून को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो अपने आप खुद ही जाकर के संसद में वो गूंज करे कि तुम्हारे से ये काम नहीं हो सका। साथियों, मुझे इस बात का गर्व है कि वो डॉक्टर राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी की आवाज आम आदमी पार्टी के जरिए संसद में पहुंचेगी। साथियों, इसका सौभाग्य आपको और हमें मिला है और इसे करके दिखाना है। साथियों, डॉक्टर राजमोहन गांधी आपके महात्मा गांधी के पुत्र होने के अलावा इनमें इतने सारे खूबियां हैं, अगर आप जानेंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव मत करो इसको, तो ऐसी पहुंचा दो संसद में, कहां चुनाव के पचड़े में इसे शाम को डालते हो। इन्होंने बड़े खूबसूरती से बताया कि आम आदमी पार्टी क्या है, ये क्या है और क्यों आम आदमी पार्टी आज राजनीति के अखाड़े में खड़े होकर के उनको चुनौती दे रही है जिनके जुम्मे हमने देश सौंपा था।